नमस्कार दोस्तों, एमएस कैंपस में आपका स्वागत है। आज काफ़ी दिनों के बाद में जो है वो हम 12th की वीडियो जो है उसको डिस्कस करने वाले हैं। इसका मतलब काफ़ी दिन हो चुके हैं मेरे हिसाब से कि हमने लास्ट वीडियो जो है वो बहुत पहले डाली थी 12th क्लास की। तो आज की इस वीडियो में हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ह्यूमन इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, जो कि जूलॉजी की फर्स्ट यूनिट है। इसका मतलब जो आपकी बुक है जूलॉजी की, उसमें जो सबसे पहला चैप्टर आता है वो आता है आपका अध्यावरणीय तंत्र, मानव का अध्यावरणीय तंत्र या ह्यूमन इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। तो इसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर कि क्या इसके बारे में बताया गया है, क्या इसकी संरचनाएं हैं, या कहें कि क्या इसकी विशेषताएं हैं मुख्य रूप से, उन सबको इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो में जुड़े रहिएगा। साथ ही साथ ये इसकी शायद हो सकता है कि ये 2 या 3 वीडियोज़ में जाके कंप्लीट हो, क्योंकि अच्छे हालांकि 2 या 3 वीडियोज़ में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरी जो वीडियोज़ होती हैं वो मुश्किल से मुश्किल 10 या 12 मिनट की होती हैं। तो 10 या 12 मिनट की वीडियो के अंदर हम समझने की कोशिश करेंगे इसके कुछ हिस्सों को और अच्छे से समझेंगे, जिससे कि आपको भी वो काम आ सके, ठीक है। साथ ही साथ ये पीडीएफ फाइल में मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको नोट्स भी जो है वो तैयार हो सके, आप इसको भी अपने जो डाउनलोड वगैरह जो है वो कर पाएंगे फिर, जिससे कि आपको फायदेमंद हो जाएगा। बोर्ड पे भी डिस्कस करेंगे, बोर्ड पीछे लगा हुआ है, जब जरूरत पड़ेगी बोर्ड पे समझाने की तो बोर्ड पे भी समझाएंगे, जब इसमें समझाने की जरूरत पड़ रही तो इस पे समझा रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को और समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या होता है इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम या अध्यावरणी तंत्र। तो समझिए सबसे पहले आप कि अध्यावरणी तंत्र या इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम का सीधा सा मतलब ये हो गया कि हमको जो हमारा पूरा शरीर है, इसके जितने भी ऑर्गन्स हैं, उन सबको कवर करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, और वो कवर करने वाली जो चीज है वो ही अध्यावरणीय तंत्र होती है। मतलब कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जितने भी हैं उन सबके ऊपर एक कवर के रूप में हमारी स्किन या त्वचा उपस्थित है। तो ये त्वचा जो है ये अध्यावरणीय तंत्र या इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम का निर्माण करती है, ठीक है। दूसरी चीज ये आती है कि भाई केवल और केवल त्वचा नहीं है इसमें, ऐसा नहीं है कि केवल और केवल हम त्वचा को समझें कि भाई त्वचा जो है वो ही इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम का निर्माण कर देगी, नहीं। त्वचा और त्वचा से निकली हुई संरचनाएं, अब त्वचा से निकली हुई संरचनाओं में बाल भी आ जाते हैं, नाखून भी आ ही जाते हैं, शल्क आ जाते हैं जलीय जीवों में, तो वो सभी जो संरचनाएं हैं वो सभी की उन सबसे मिलकर इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम जो है उसका निर्माण होता है। तो अब हम धीरे धीरे इसमें समझने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें कि इसमें अंदर जो है वो क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए अब यहां पर जो दूसरा हमारा टॉपिक आता है वो है डेफिनेशन। ऑब्वियस सी बात है, अध्यावरणी तंत्र, अध्यावरणी तंत्र की मुझे उम्मीद है दिख रहा होगा, या थोड़ा जूम करने की जरूरत है, मेरे हिसाब से दिख रहा होगा, ठीक है, अच्छे है ना। और थोड़ा सा जूम कर लेते हैं अगर हो सकता है, ये लीजिए अब आपको अच्छे से दिख जाएगा ये अध्यावरणी तंत्र, इंटेग्यूमेट्री सिस्टम। इसकी डेफिनेशन सबसे सरल, अध्यावरणी तंत्र जो है वो त्वचा और त्वचा से उत्पन्न रचनाओं से मिलकर बनता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्किन तो होगी ही, लेकिन स्किन के साथ साथ उससे निकलने वाली जो संरचनाएं हैं, खास करके प्रमुख रूप से मनुष्य में तो बाल, रोम, ये सभी जो हैं ये सभी मिल करके अध्यावरणी तंत्र का निर्माण करते हैं। इसके अतिरिक्त छोटे शब्दों में समझना चाहें तो त्वचा प्लस त्वचा से उत्पन्न अध्यावरणी तंत्र बनाते हैं। तो ये तो सरल डेफिनेशन हो गई जो मैं आपको समझा चुका हूं। अब बात आती है कि इसमें और कौन कौन सी संरचनाएं जो हैं वो आती हैं। हिस्टोलॉजी ऑफ स्किन को हम डिस्कस करेंगे, इसका मतलब त्वचा की औतिकी, औतिकी का मतलब हो गया कि उसकी संरचना में है क्या, उसमें हमको समझना क्या है, उन सब चीजों को हम इसमें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए मां, एक सेकेंड में अपने चेहरे को थोड़ा सा इधर ले आता हूं जिससे कि आपको दिख सके, यहां दिख जाएगा आराम से, है ना, ऊपर, ठीक है। तो हिस्टोलॉजी ऑफ स्किन, त्वचा जो है इसके मुख्य रूप से 2 स्तर होते हैं, जैसा कि सभी के अंदर होता है, कुछ कुछ में 3 स्तर भी होते हैं, लेकिन मीजोडर्म जो है उसको तो हम जनरली स्किप कर देते हैं। तो मुख्य रूप से 2 स्तर हैं, एक है एपिडर्मिस और दूसरा है डर्मिस। एपिडर्मिस का मतलब हो गया अधिचर्म, बाहर से दिखने वाली संरचना, या कहें कि अधिचर्म, और दूसरा जो स्ट्रक्चर हो गई वो हो गई डर्मिस, इसका मतलब चर्म। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एपिडर्मिस को कि एपिडर्मिस क्या होती है, क्या उसकी विशेषताएं होती हैं, क्या उसकी संरचनाएं होती हैं, मुख्य गुण जो हैं। एपिडर्मिस के बारे में अगर हम समझना चाहें तो इसकी सबसे पहली संरचना ये आती है कि यह भ्रूण की एक्टोडर्म से बनी है। इसका मतलब जो हमारी त्वचा की एपिडर्मिस है उसका निर्माण भ्रूण की एक्टोडर्म या अधिचर्म से मिलकर होता है। इसमें ब्लड वेसल्स एब्सेंट होती हैं, इसका मतलब डेड सेल्स कह सकते हैं एक तरीके से, इसीलिए दर्द नहीं होता है इसे काटने पर, ब्लड वेसल्स जो हैं वो एब्सेंट होती हैं।
सबसे अब शरीर में इसकी जो मोटाई है वो कहीं पर ज्यादा हो सकती है, कहीं पर कम हो सकती है। सबसे ज्यादा जो इसकी मोटाई होगी वो होती है हथेलियों में और पैरों के तलवों में, मतलब कि वहां पर सबसे ज्यादा मोटी पाई जाती है। अब क्यों पाई जाती है? क्योंकि जिस तरीके से ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ है तो उसमें जो हाथ और पैर थे उनका ज्यादा यूज था, चलते समय जूते वगैरह इतने नहीं होते थे, कह सकते हैं हम इस तरीके की बात को, तो नहीं थे। तो ऑब्वियस सी बात है कि पैदल अगर चलना पड़ रहा है हमको तो हमारे जो तलवे हैं वो ज़्यादा मजबूत होने चाहिए, जिस जिस कारण से वो अच्छे से काम कर सकें या उनमें जो है वो डैमेज कम से कम हो। इसी तरीके से इसमें एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि उनकी कि जो ज़्यादातर मेहनत का काम करते हैं, इसका मतलब जिस तरह से मजदूर वगैरह हो गए जो कि रोजाना काम करते हैं, तो उनकी कौन उनके हाथ अगर आप देखेंगे तो वो काफ़ी कठोर आपको दिखेंगे। इसका रीज़न यही है कि उनकी जो एपिडर्मिस होती है वो काफी मोटी हो जाती है ताकि वो घर्षण से बचाव कर सके। तो इसी वजह से मतलब कि कुल मिला के बात ये हो गई कि मेहनत का काम अगर कोई व्यक्ति कर रहा है, खास करके बहुत ज्यादा हार्ड वर्क अगर हो रहा है हाथों और पैरों से, तो वहां की जो त्वचा होगी वो मोटी हो जाएगी ताकि घर्षण से बचाव जो है वो किया जा सके। साथ ही साथ सबसे पतली कहाँ होती है? तो सबसे पतली जो है ये आंख के कॉर्निया वाला जो हिस्सा है वहां पर होती है। तो ये दोनों ही चीजें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। क्वेश्चन वन लाइनर बन सकता है, हालांकि नॉर्मली इसका आंसर जो है वो मिल जाता है, क्योंकि हम देखेंगे तो हमारी बॉडी में हमको पता चल जाएगा कि कौन सा हिस्सा ज्यादा मोटा दिख रहा है। तो पैरों के हाथों की हथेलियां और पैरों के तलवे, वहां पर ये सबसे मोटी होती है, जबकि कॉर्निया में ये सबसे पतली होती है। ठीक है, तो ये तो थी डर्मिस के बारे में सॉरी एपिडर्मिस के बारे में साधारण जानकारी। अब इससे काम नहीं चलेगा, इसमें और भी काफी संरचनाएं हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब समझते हैं कि भाई इसकी और क्या विशेषताएं हैं। तो यहां मैं ले आता हूं इसको, चेहरे को अपने को, और अब हम समझते हैं। देखिए, इसकी कोशिकाएं कई स्तरों में उपस्थित होती हैं जिस कारण इसे स्तरित एपिथेलियल ऊतक भी कह दिया जाता है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो इसका एक नाम आपको यह भी याद रखना है कि इसे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू भी बोल दिया जाता है। इसका सीधा सा रीजन ये है कि ये बहुत सारे स्तरों में होता है। अब कौन कौन से स्तरों में होता है? तो टोटल 5 स्तर जो हैं वो इसमें उपस्थित होते हैं, जो कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। मैं यूज कर लेता हूं पेंसिल का तो जिससे कि आपको दिख सके। तो देखिए, इसमें टोटल 5 स्तर हैं, स्ट्रेटम जर्मिनेटम, स्ट्रेटम स्पिनोसम, स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम, स्ट्रेटम ल्यूसिडम और स्ट्रेटम कॉर्नियम। टोटल 5 जो हैं वो इसके अंदर ये लेयर्स देखने को मिलती हैं एक तरीके से, या कहें कि 5 स्तर जो हैं वो इसमें टोटल देखने को मिलते हैं, जिनमें फर्स्ट जो था स्ट्रेटम जर्मिनेटम, अंकुरण स्तर या मेलपीघी स्तर भी इसको बोल दिया जाता है। दूसरा स्तर आता है स्ट्रेटम स्पिनोसम, इसका मतलब शूल स्तर। तीसरा स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम, इसका मतलब कणी स्तर, या इसको कण स्तर या किण स्तर भी बोल दिया जाता है, क्योंकि ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, ऑब्वियस सी बात है। चौथा जो स्तर आता है वो आता है स्ट्रेटम ल्यूसिडम, इसका मतलब स्वच्छ स्तर। और पांचवा स्तर आता है स्ट्रेटम कॉर्नियम, इसका मतलब किन स्तर, सॉरी किन स्तर और कणी स्तर दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो वो तो कणीय स्तर होगा ग्रेन्युलोसम, और जो पांचवा लेवल है स्ट्रेटम कॉर्नियम ये किन स्तर होगा। इन पांचों ही लेवल्स की विशेषताएं होती हैं, इनकी स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिनको कि हम डिस्कस करेंगे और उसको बहुत ही अच्छे से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज जो है वो हम हल्का सा स्ट्रेटम जर्मिनेटम या अंकुरण स्तर या मेलपीगी स्तर को डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी कुछ विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्तर आता है स्ट्रेटम जर्मिनेटम या अंकुरण स्तर। तो देखिए, सबसे निचला स्तर है जो कि चर्म के ठीक ऊपर स्थित होता है। इसका मतलब कि जो डर्मिस होती है या जो हमारी चर्म है अधिचर्म से नीचे वाली लेयर, उसके ये जस्ट ऊपर है, ऑब्वियस सी बात है उससे कनेक्ट में होगा। तो इस स्तर की जो कोशिकाएं हैं वो सजीव होती हैं। अब आप कहेंगे कि सर आप तो बोल रहे थे कि डर्मिस जो है उसकी कोशिकाएं निर्जीव होती हैं, तो इसकी कोशिकाएं सजीव कैसे निकल आई? तो आपको ये समझने की जरूरत है कि डर्मिस के बाकी जितने भी लेवल्स होंगे उनमें से ज्यादातर की कोशिकाएं निर्जीव होती हैं, बट ये तो चूंकि टच में ही है उससे, तो इसकी कोशिकाएं सजीव होती हैं जो कि डर्मिस से जो है वो पोषण प्रदान करती रहती हैं। अभी मैं आपको इसका भी रीजन बताऊंगा कि ये निर्जीव कोशिकाओं में कैसे बदल रही हैं, इनके बदलने के पीछे कारण क्या है, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो इनमें जम के इनकी कोशिकाओं को निर्जीव कोशिकाओं में रूपांतरित कर देता है। तो ऐसा एक पदार्थ आएगा, और यदि आपको उसका नाम पता है जिसके कारण से ये निर्जीव कोशिकाओं में बदलती हैं, तो आप उसे मुझे कमेंट करके बताएंगे, जिससे मुझे भी यह पता चल जाए कि आप तो बहुत ही अच्छे इंटेलिजेंट हैं, आपको हर चीज का पता है। ठीक है,
लास्ट इसमें टॉपिक जो है वो है, या कहें कि लास्ट पॉइंट है वो ये है कि इसकी कोशिकाएं स्तंभाकार होती हैं। अब इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी, ये तो हम जो है वो ब्रीफ कर रहे हैं, मतलब कि कहें ना कि एक शॉर्ट में इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इसकी सभी जानकारियां थी। तो ये थी आज की जानकारियां स्ट्रेटम जर्मिनेटम के बारे में। अब आप कहेंगे कि सर आपने तो बहुत थोड़ा समझाया है, तो थोड़ा थोड़ा करके समझते हैं जिससे कि अच्छे से और आगे तक जो है उसको समझा जा सके। दूसरी चीज ये कि नेक्स्ट जो वीडियो होगी आपकी बायोलॉजी की, बायोलॉजी की नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पूरे के पूरे कोशिका को एक डायग्राम के थ्रू डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, सॉरी त्वचा को, और उसमें सभी लेयर्स होंगी, मतलब कि ये जितने भी मैंने आपको ये यहाँ पर लेवल्स बताए हैं और जितने भी लेयर्स के हम बात कर रहे हैं उन सबको उसमें हम दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आप नेक्स्ट वीडियो को भी देखिएगा, और ये तो आप देख ही रहे हो जो कि बहुत अच्छी बात है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है ये जानकारियाँ सभी इन्फॉर्मेटिव लगी हैं तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। कर देते हो ऐसी बात नहीं है, लेकिन भूल जाते हो, पढ़ने में ध्यान ज़्यादा होता है इसलिए भूल जाते हो लाइक करना। साथ ही साथ चैनल को शेयर भी ज़रूर कर दिया करो, और सब्सक्राइब तो ज़रूर से ज़रूर आपने कर ही लिया होगा अब तक, और बेल आइकन को भी दबा देना जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो ये आज की वीडियो में हमने इतना ही सीखा। अब ये मत कहना कि सर बहुत कम सीखा, धीरे धीरे बढ़ाएंगे उसकी जो कहते हैं ना कि रफ्तार है उसको बढ़ाएंगे जिससे कि आप अच्छे से सब चीज़ों को समझ सकें। साथ ही साथ जो और क्लासेस की वीडियोस हैं वो भी कंटिन्यू चल रही हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। अगर आपका कोई छोटा भाई बहन या कहें कि कोई दोस्त वगैरह हो, या आप खुद अगर उस क्लास में हो और इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं जनरल साइंस की, वो आपके ज़रूर से ज़रूर काम आएंगे और आती रही हैं। साथ ही साथ बायोलॉजी की आप चिंता ना करें, बायोलॉजी में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि समय का अभाव हो जाता है जिस वजह से हम वीडियो को नहीं बना पाते, लेकिन कोशिश करेंगे कि समय निकालें जैसे कि आज निकाला है, और कोशिश रहेगी कि ज़्यादातर इस फॉर्मेट में प्लस व्हाइट बोर्ड का यूज़ करें, दोनों ही फॉर्मेट में वीडियोज आएंगी। आप किस फॉर्मेट में वीडियो देखना चाहते हैं ये भी मुझे कमेंट करके बता दें जिससे कि मैं आपको उसी फॉर्मेट में जो है वो वीडियो बनाने में कम्फर्टेबल हो सकूँ। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।